बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, आपके समक्ष भाग रामायण अंगद रावण संवाद सुनाया जा रहा है, जिसकी प्रस्तुति टारगेट कैसेट शोहरा दे रही है, जिसमें मैं संतोष भगत रावण का पाठ कर रहा हूं एवं अंगद का पाठ संतोष नादान हिड़की गोटेगांव वाले कर रहे हैं। अरे लंका में गए हैं पहुंचे उरले करे सेना राम, अरे सलाह मंत्रियों से करे कर बेखे पूरण काम, कि जामवंत कहने लगे उर सुन लीजे करतार, अरे बाली पुत्र खे भेज दो के रावण के दरे अज्ञा दई श्री राम ने, ए अज्ञा दई श्री राम ने उर अंगद बन खे दूत, अरे द्वार रावण के गए पहुंचे दिखलावे खे करे। जब अंगद जी रावण की सभा में पहुंचते हैं तब रावण क्या कहता है, अरे बंदर क्यों अंदर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें हर बार। इसलिए आया है, ये रावण की सभा है, जाने नहीं है, तुझे मालूम नहीं है यहाँ वीरों का दरबार लगता है। मर गए री, सुन जरा, कौन तुझको अलसेटा
किस कारण पहुंचा आए और किस को है बेटा कि बाप सहित बतला दे रे अपना पूरा नाम अरे दस कंधर के द्वारे में रे रे पाल गौरे कौन सो से तुम्हारी मित्रता थी इसलिए है भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाने आया हूँ। अच्छा? तुम राजमद में चूर होकर माता जानकी जी को हर लाए हो ये बड़ा अन्याय है पाप है इसलिए अरे धर्म को शरणागत रक्षक हैं प्रभु कैसे तेरे शरण राम की जा आया देवा।
शंकर। रे बंदर, जरा मुंह संभाल कर बोल। क्या मुझे नहीं जानता है? मैं लंकापति रावण हूं। मेरा नाम सुनते ही सुर नर मुनि गंधर्व दिक्पाल थर थर कांपते। जापले, तू पहले अपने बाप का नाम बता। तू अपने पिता से किस नाते मित्रता मानता है? काल की करे नहीं शंका। शंका ये रे तीनई लोक में बजे जीत कोरे मेरो। कि जब हमें चलते हैं सुनो इरे धरनी जाबे डोल आर रावण के धमे काते हैं। बोल रहो कटू अंगद हूं और तू अपने आप को वीर कहता है। अरे वीर हो रे तो सुन, मैंने अनेकों रावण सुने हैं, उन रावण में से तू कौन सा रावण है? अरे भैया, एक रावण को पुलस्त जी ने छुड़वाया था, अपने घर शेत्र बाहु तमाशे के लिए लाया था, तू वह रावण तो नहीं है? कि एक रावण है बाली काख में और छह महीना राखो दा।
सुन मूर्ख बंदर, मैं वही रावण हूँ जिसकी भुजाओं की कला कैलाश पर्वत और भगवान शिव जानते हैं, जिनकी पूजा मैंने मस्तक रूपी कमल चढ़ाकर की। मैं वो रावण हूँ। तू मेरे सामने एक साधारण मानव की बड़ाई करता है, कहा समझता है? सुन जरा, हरे आन घोड़ा सो संधो है, ये रे बस में हम कर लिए काल पार्टी से। ये बेटा बहमाता मेरे द्वार में, जय बोलो। अरे झाड़ू रोज लगा, ये रे मेघ मेरा पानी भरे रे, रे अब ज्यादा हजारों भुजाओं को काटने वाले परशुराम जी, जिनका तेज प्रभु राम के सामने ठंडा पड़ गया, तू उन्हें साधारण मानव कहता है? नाग कितनो ही जहरीला हो कितना फन फैलाएगा, और न्यौले के सामू पड़े तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अरे ध्यान तेरे बैर लेगा थान, और तुझे ब्रह्मा बचा नहीं पाएंगे रे, जैसे और शंकर बाबू सरी का भाई और इंद्र को जीतने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है। एक साधारण राजा का लड़का मेरा क्या करेगा रे? सुन जरा, बिलोटा शेर के सामने क्या मूछ पे हाथ धर पाएगा? और कुश्ती लड़ना तो दूर है, पंजा में मारा जाएगा। सुन जरा मूर्ख बंदरे, सुन घाती, रे पीर है एक लख पूत सवा लख मोरे,
कि बड़ाई स्वामी की करो, इरे कैसा उसका ते भेजा है कि सह को गीदड़ मारने से कुछ यश नहीं मिलता। प्रभु राम जी के वचन याद रख के तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अरे मार तुझे अभिमानी और ले जाता राम के पास, मात जाने की राम आज्ञा पाऊं अगर एरे सारे राख चश्मा शंकर। सुन जरा, जिसके बल पर तू गरजता है ना, उसमें बुद्धि तेज प्रताप कुछ नहीं है। वह तो स्त्री वियोग में तड़पता रहता है और मेरा उसे डर बना रहता है। क्या बात, हरे धीर जरा नहीं धरते हैं और तेरे जैसे स्वामी का रोज राक्षस भक्त छड़े रे। भाग जा भाग जा रे बंदर बचा खे जान, ये रे संतोष भगत के सामने रे चल है ने तुम्हारी सज्जनों। वेद शास्त्र कहते हैं स्वामी और
गुरु निंदा सुनने वाले का मुख देखने का पाप होता है। अंगद जी यह विचार करके बड़े क्रोध में छा जाते हैं और अपनी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर पटक देते हैं बड़े क्रोध के साथ। देखिए क्या बात है। अरे अंगद गरजे जब लंका में, अरे कपे गई मैया धर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें हर बार।